आपको बताना पड़ेगा ब्राह्मण शिरोमणि है। कपीश जी मुझे लग रहा है मुद्दे से भटक रहे हैं। सही में जाके ठुमका लगाइए सर, जहां से हक जीतेंगे। एक सेकंड, राम ने पूरी अयोध्या, भाई ये इस्लाम धर्म नहीं है चक्रपाणि महाराज, कि माले गनीमत है, लूट में जो आया वो सब में बटेगा, ये ऐसा नहीं है, ये सनातन धर्म है। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज पराकाष्ठा को समझिए सर। और साथ ही साथ एके मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विशेषक हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। कहता उनके अधिवक्ताओं ने मेहनत किया था, लेकिन जब ट्रस्ट बना तो पता नहीं क्या क्राइटेरिया देख करके ट्रस्ट बना कि उसमें जो पक्षकार थे उनको नहीं जोड़ा गया, आलोक जी सुन रहे हैं, लोगों को जोड़ा गया, तो सबको जोड़ो ठीक है, लेकिन कम से कम पक्षकारों को तो जोड़ना चाहिए। तिलक जी तो पहली बार इतिहास में है कि किसी मुकदमा को आप सैकड़ों वर्ष लड़िए और लड़ने के बाद जब आपके पक्ष में निर्णय आए तो कोई पड़ोसी और दुनिया के लोग तो ट्रस्ट में हो जाए लेकिन आप ना हो, तो ये कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण ये हुआ है जो कपीर जी ने बड़ी चीजों को ध्यान दिया। बहुत छोटा सवाल है, बड़ा सवाल ये है कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। नहीं नहीं, बड़ा सवाल ये भी है कि 2022 में वोट मांगोगे नहीं मांगोगे राम के नाम पर आप। गाजा गाजा निर्माण में सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका निभाने वाला पिछड़ी जाति, लेकिन आप बताइए ट्रस्ट में पिछड़ी जाति का नुमाइंदगी क्यों नहीं? ये लो, गजब की सियासत हो रही है। एके मिश्रा जी देख रहे हैं आप, जो कह रहे जो मरे जो शहीद हुए वो कह रहे हैं कि वो जो मरे वो पिछड़ी जात के थे। देश के प्रधानमंत्री अब राम भक्त ओके 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 एके मिश्रा एक सेकंड भार्गव जी आराम से फिर चाय पीने जाओगे सुबह। एक सेकंड एके मिश्रा, ये कहां जा रही है यूपी की सियासत? क्या अयोध्या वाकई में मुद्दा नहीं होगा? आलोक जी मुझे समझा रहे नहीं होगा मुद्दा? नहीं नहीं, मुझे देखिए, मैं सबसे पहले आलोक जी को बोलूं, पता नहीं उनको क्यों झिझक या शर्म हो रही है। जिस पार्टी के जब प्रधानमंत्री वगैरह कोई रैली करते हैं शुरुआत ही जय श्री राम से होती है, तो आपको बोल देने में क्या फर्क है? चलिए आलोक जी को भूल जाते हैं, बीजेपी को भूल जाते हैं, 5 साल 10,000 साल के इतिहास में आप देख लीजिए जितने भी पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं या कोई महान काम हुआ है, कहीं ना कहीं धर्म या आइडियोलॉजी या कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। आप मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी की भी आइडियोलॉजी एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है, बसपा के लिए सबसे बड़े जो नेता है जैसे बीजेपी के लिए श्री राम है, कॉमन सारे देश के लिए श्री राम है, उनके लिए बाबा साहब अंबेडकर है, सुहेल देव पार्टी के लिए इनसे पूछे कौन से राजा इनके नायक है, हालांकि नायक वो हमारे भी है, ये पेटेंट तो करा के ये लोग बैठते हैं। अभी आप शांत रहिए सर, आप शांत जी को तो याद ही नहीं है। अरे आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। अरे सपा आप सर अभी अभी चुप रहिए ना, अभी आप जब जीत जाइएगा तब बोलिएगा। आपको बताना पड़ेगा ब्राह्मण शिरोमणि है। ना 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 ना, आपको बताना पड़ेगा ब्राह्मण शिरोमणि है। हाँ बताइए, हमारे हेड हैं। आप गलत विश्लेषण करेंगे तो मुझे कौन सा विश्लेषण गलत है? ईश्वर और मनुष्य में क्या अंतर होता? अरे ईश्वर और मनुष्य में क्या अंतर होता? अरे ईश्वर और मनुष्य में क्या अंतर होता? अरे दोनों की तुलना आपको पता ही नहीं है। आत्मा और परमात्मा में, आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है मुझे बताइए? नर और नारायण का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है? बताइए, समाजवादी पार्टी यदुराज ने कृष्ण ने ही ये बोला है कि आत्मा और परमात्मा नर और नारायण एक है, आप ईश्वर और इंसान को अलग क्यों कर रहे हैं? ये आपकी पार्टी में होता है कि हम नेता हैं, तुम वोटर हो तो तुम अलग रहो, नर और नारायण में कोई भेद नहीं है। एक सेकंड, नर और नारायण में कोई भेद नहीं है। मुद्दे पे आए, देखिए कपीशी एक सेकंड, अपने वंशजों को याद करके रखिए। एक सेकंड उन्होंने नर और नारायण में फर्क नहीं किया, आत्मा और परमात्मा ने, आप यदु सम्राट बैठे हुए हैं उसपे जो है महाभाष्य और टीका और टिप्पणी कर रहे हैं, पढ़ के आइए सर, पहले धर्म के कॉन्सेप्ट को पढ़ के आइए, जाइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाइए, पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाइए, संदीपन संदीपन गुरु के आश्रम में जाइए जो ब्राह्मण थे, संदीपन गुरु के आश्रम में आप यदुवंशी जाइए आपको पता चलेगा, पहले जाइए आश्रम में, संदीपन के आश्रम में जाइए पढ़ के आइए, फिर नर और नारायण में फर्क आपको पता चलेगा। इतने तुच्छ बुद्धि के तुच्छ ज्ञानी आप इसीलिए हो गए कि आप मदरसे में जा रहे हैं, जाइए संदीपन ऋषि के आश्रम में, संदीपन ऋषि के आश्रम में गए होते तो आप ये प्रश्न नहीं पूछते कि ईश्वर और मनुष्य में क्या फर्क है। प्लीज एक सेकंड, आपने सत्यानाश कर दिया यदुवंशियों का। एक सेकंड, सत्यानाश करने वाले प्रवक्ता हैं आप कृष्ण के और यदुवंशियों के। एक सेकंड, आपके कारण ही पार्टी डूबेगी, आप जैसे प्रवक्ता बैठ के अखिलेश भैया के मेहनत में
जो सुनते नहीं है। एक सेकंड, अरे चाहिए संदीपन गुरु के आश्रम में, आपको पता चलेगा। एक सेकंड नारायण में क्या फर्क है? मिश्रा जी, मिश्रा जी प्लीज एक सेकंड। कपीश जी, कपीश जी एक सेकंड, डॉक्टर से साइकिल पे आ गए हो। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक कपीश जी, कपीश जी देखिए देखिए कपीश जी एक सेकंड, कपीश जी मुझे लग रहा है मुद्दे से भटक रहे हैं। सही में जाके ठुमका लगाइए सर, जहां से आप जीतेंगे। एक सेकंड कपीश जी मुझे लग रहा है मुद्दे से भटक रहे हैं। सही में जाके ठुमका लगाइए सर, जहां से आप जीतेंगे। एक सेकंड ऐसे सही में ठुमका लगाइए, राम मंदिर के बारे में और कृष्ण के बारे में आप बात मत करिए। एक सेकंड, मिश्रा जी, मिश्रा जी प्लीज एक सेकंड, कपीश जी का भी ऑडियो नीचे, मिश्रा जी का ऑडियो नीचे करिए, ऑडियो नीचे करिए। एक सेकंड, एक सेकंड, किसी कारण से तो जब राम मंदिर का शिलान्यास करते हो कम से कम उनको सम्मानित तरीके से आमंत्रित करो, उनसे सलाह लो। कोई किसी आज तक किसी सरकार ने पूछा नहीं तो मंदिर बनना चाहिए। महाराज जी के लिए एक बात बताइए, अन्याय है ना? आप जरा सोचिए महाराज जी, अगर ये अन्याय है, अगर ये आपकी नजर में अन्याय है तो क्या आशीर्वाद देंगे 2022 में इनको? नहीं, मैं नाराज नहीं, मैं बात सिद्धांत की कर रहा हूँ। अगर ट्रस्ट में हिंदू महासभा को लेकर जरूरी थोड़ी कि मैं ही आऊंगा, हो सकता है कोई प्रतिनिधि जाए। सवाल हर संस्थाओं को लेने की बात है। ओके मिश्रा जी, देखिए क्या नाराजगी जायज है? क्या क्या चक्रपाणी महाराज जी की नाराजगी जायज है? और क्या वाकई में ये नाराजगी भारी पड़ सकती है चुनाव में अगर राम के नाम पर वोट मांगेंगे तो? चक्रपाणी महाराज जी एक धर्मगुरु है, ऋषि है, संत है, और अगर सनातन सिद्धांत की बात करें, क्योंकि महाराज जी सनातन सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो कर्मण्येवाधिकार से पहली चीज इनसे ये पूछ लिया जाए, राम मंदिर बन जाए ये इनका मुद्दा था, डिमांड था कि राम मंदिर में हमें हिस्सा मिले या कोई पद मिले, ये डिमांड था इनसे ये पूछ लिया जाए, राम मंदिर बन जाए ये इनका मुद्दा था, डिमांड था कि राम मंदिर में हमें हिस्सा मिले या कोई पद मिले, ये डिमांड था। पिछले 50 साल से जो ये लड़ रहे थे या 70 साल से 1945 कब से बताया, इनका मुद्दा कभी ये नहीं था कि वहां जब ट्रस्ट बने तो उसमें हम कुछ बने, कोई हमें पद मिले। इनका मुद्दा, सबका मुद्दा, सारे हिंदुओं का मुद्दा ये था कि ये समस्या सॉल्व हो, वहां पे भव्य राम मंदिर बने, पहली चीज। दूसरी चीज सुन लीजिए, राम के आदर्शों की ही बात करते हैं, राम ने पूरी अयोध्या, भाई ये इस्लाम धर्म नहीं है चक्रपाणी महाराज कि माले गनीमत है, लूट में जो आया वो सब में बटेगा, ये ऐसा नहीं है, ये सनातन धर्म है। नहीं, नहीं, पराकाष्ठा को समझिए सर, राम ने पूरी अयोध्या, भाई ये इस्लाम धर्म नहीं है चक्रपाणी महाराज कि माले गनीमत है, लूट में जो आया वो सब में बटेगा, ये ऐसा नहीं है, ये सनातन धर्म है। नहीं, नहीं, पराकाष्ठा को समझिए सर, यहाँ त्याग की भावना नहीं, होती नहीं, है, प्लीज, प्लीज। कार्य सिद्ध होना नहीं, चाहिए नहीं, ना कि देखे, हम राजा बने। देखिए, देखिए, एक सवाल, तिलक भाई, एक बताइए, अगर ट्रस्ट में लूट नहीं है, अयोध्या का मंदिर 2 करोड़ में खरीदा जाता है, 5 मिनट में 18.5 करोड़ में बेच दिया जाता है, क्या यह लूट नहीं है? यह महालूट है, बताइए आप हमको, आप बताइए ना। और दूसरी बात, आप चंपत राय को तो बड़ी बड़ी भली बात जान ही रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, उनका उनसे कितना रिलेशन है? किससे किसका रिलेशन है? जो प्रॉपर्टी भी की है 2 करोड़ के 18.5 करोड़ में 5 मिनट में। नहीं, वो एक सेकंड, मैं विषय भटक गया। चक्रपाणी महाराज मुझे बोलने दीजिए को, मैं दिल से स्वागत करता हूं। वो आप करेंगे क्योंकि आप मुझे स्वागत करता हूं, आपको समर्थन कर देंगे, वोट मिल जाएगा। देश सनातनी बटने वाले नहीं है, एक सेकंड, सनातनी लालच में आने वाले नहीं है, एक सेकंड, लालच में सनातनी आने वाले नहीं है। उसमें देश के प्रधानमंत्री मोटे लालच में आपको आगे बढ़ाने के लिए मोटे लालच। भार्गव जी, भार्गव जी प्लीज प्लीज एक सेकंड, मैं ऑडियो नीचे कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज एक सेकंड। आलोक वर्मा, आलोक वर्मा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक महत्वपूर्ण विषय, एक महत्वपूर्ण विषय, एक सेकंड। कह रहे लुटेरों के हाथ में ट्रस्ट कर दिया, कपीश जी कह रहे समाजवादी पार्टी के नेता, एक सेकंड मैं कमेंट ले लेता हूं। ओके 10 सेकंड, एक है मिश्रा जी 10 सेकंड बस। हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, मित्र है, वो बोल रहे थे किसके हाथ में जो है वो दे दिया, ये तो खुश तब होंगे ना, जैसे महाकुंभ का जो उनको हेड बनाया था मोहम्मद आजम को, ये तो चाहते हैं कि राम मंदिर का सब कुछ चाबी जो है आजम खान को, बाबर को दे दिया। एक सेकंड मिश्रा जी प्लीज, डिबेट ऐसे नहीं, नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, ये नहीं, 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 वक्त की इजाजत नहीं दे रहा, प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच, एक समुचित प्रयास, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।